हे गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स की रिलेटेड टू डिफरेंट स्टेट्स। तो जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, उनसे रिलेटेड उनके स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा सीरीज चल रहा है स्पोर्ट्स अवार्ड्स से रिलेटेड। तो हम बात कर चुके हैं अभी तक पद्म अवार्ड्स की, हालांकि वो स्पोर्ट्स अवार्ड नहीं है, लेकिन हमने उसकी बात करी है क्योंकि हाल ही में पद्म अवार्ड्स की घोषणा की गई थी, तो हमने उस पर एक वीडियो किया था। साथ ही साथ स्पोर्ट्स अवार्ड से रिलेटेड हमने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को देख लिया है, उसके अलावा अर्जुन अवार्ड को देख लिया है, उसके अलावा द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और ध्यानचंद अवार्ड के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियोज़ अभी तक नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, स्पोर्ट्स अवार्ड्स नाम से मिल जाएगा आपको, ठीक है, फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आप वहाँ पे जाके वीडियो हमारा देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आई बटन भी लगा दूंगा, तो आप आई बटन पे भी क्लिक करके उन अवार्ड्स को देख सकते हैं। डायरेक्ट मैं प्लेलिस्ट का लिंक ही आपको दे दूंगा। तो इस अवार्ड में हम क्या इस वीडियो में हम क्या जानेंगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, उनके अपने कितने अवार्ड्स हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो जितना ज़्यादा हो पाया है मैंने ढूंढने की कोशिश की है और सब कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करके आपके सामने लाया हूँ। एक दो स्टेट्स का मुझे मिला नहीं कि वो कौन सा अवार्ड देते हैं स्पोर्ट्स के फील्ड में, तो वो मैंने कवर नहीं किया इसमें, लेकिन ज़्यादातर मैंने कवर कर दिया है। दो तीन हालांकि मुश्किल से छूटा होगा। तो अगर आपको पता है कि वो स्टेट कौन सा अवार्ड देती है स्पोर्ट्स के सेक्टर में, फील्ड में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अवार्ड है हमारे सामने वो है एकलव्य। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, दो तीन चार स्टेट्स हैं जो कि एकलव्य नाम से अवार्ड देती है स्पोर्ट्स के फील्ड में। तो आपको हमेशा अगर एकलव्य पूछा जाएगा तो उन स्टेट्स में से किसी एक का ही नाम आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको उस स्टेट पे टिक करना होगा, या फिर ऐसा कर सकता है कि जो भी स्टेट्स एकलव्य अवार्ड देती है उसका नाम दे दिया जाएगा। जैसे कर्नाटका देती है, गुजरात देती है, ठीक है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश भी देती है, तो इन तीनों का नाम दे दिया रहेगा और नीचे लिख दिया रहेगा कि ऑल ऑफ द अबव। तो ऐसा करके भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए एकलव्य अवार्ड कौन देती है यहाँ पे बात करते हैं। कर्नाटका देती है, और फील्ड यहाँ पे सिर्फ स्पोर्ट्स की ही हम बात कर रहे हैं, तो फील्ड में आपको स्पोर्ट्स ही होगा, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। दूसरा है शिव छत्रपति अवार्ड, यह कौन देती है, नाम से ही पता चलता है कि शिवाजी महाराज के नाम पर यह अवार्ड का नाम है स्पोर्ट्स के सेक्टर में। तो इसको देती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, कौन, महाराष्ट्र की सरकार स्पोर्ट्स के सेक्टर में। उसके बाद है महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह अवार्ड स्पोर्ट्स के सेक्टर में देती है पंजाब, कौन देती है, पंजाब देती है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ के तीन चार, मैं कहूँगा कि स्पोर्ट्स का नाम है अवार्ड अलग अलग कैटेगरी में, तो उन सब का नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे शहीद राजीव पांडे पुरस्कार हो गया अवार्ड, उसके बाद शहीद कौशल यादव अवार्ड हो गया, तो ये छत्तीसगढ़ देती है स्पोर्ट्स के सेक्टर में देती है। उसके अलावा और भी देती है, जैसे वीर हनुमान सिंह अवार्ड, शहीद पंकज विक्रम अवार्ड, शहीद विनोद चौबे अवार्ड। तो ये कुछ अवार्ड्स के नाम है जो कि छत्तीसगढ़ की सरकार देती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट देती है किसके फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में। उसके बाद है बख्शी बहादुर जीवाबादा केरकर अवार्ड, बख्शी बहादुर जीवाबादा केरकर अवार्ड, तो यह कौन देती है, गोवा की सरकार देती है स्पोर्ट्स के फील्ड में। उसके बाद है एकलव्य अवार्ड, तो एकलव्य अवार्ड को गुजरात की गवर्नमेंट देती है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि कर्नाटका सरकार भी एकलव्य अवार्ड के नाम से देती है स्पोर्ट्स अवार्ड, और गुजरात सरकार भी देती है, तो दोनों को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें हरियाणा की, तो भीम अवार्ड देती है ये स्पोर्ट्स के फील्ड में, भीम अवार्ड, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें परशुराम अवार्ड की, तो हिमाचल प्रदेश देती है। अब झारखंड कौन सा पुरस्कार देती है, किस नाम से देती है, तो देखिए झारखंड देती है कैश अवार्ड से। झारखंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी की अगर आप वेबसाइट खोलिएगा तो वहाँ पे रहेगा कैश अवार्ड स्कीम, ठीक है, उस तो कैश अवार्ड के नाम से देती है झारखंड सरकार। उसके अलावा खेल वृत्तिका, जिसको स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी कहते हैं, तो खेल वृत्तिका के नाम से भी देती है झारखंड गवर्नमेंट। उसके अलावा अगर हम बात करें जीवी राजा अवार्ड की, तो जीवी राजा अवार्ड देती है केरला की सरकार, ठीक है। अब देखिए एकलव्य हम बात कर चुके हैं कि कर्नाटका देती है, गुजरात देती है, उसके अलावा मध्य प्रदेश भी देती है। तो देखिए विक्रम अवार्ड हो गया, एकलव्य अवार्ड हो गया, और विश्व मित्र अवार्ड हो गया, इन तीनों नाम से मध्य प्रदेश की सरकार देती है अवार्ड स्पोर्ट्स के फील्ड में अपने प्लेयर्स को, अपने स्पोर्ट्स पर्सन्स को। उसके अलावा बीजू पटनायक अवार्ड ओडिशा की गवर्नमेंट देती है।
और ये जो बिजू पटनायक अवार्ड है ये बहुत सारी कैटेगरी में दिया जाता है, जैसे स्पोर्ट्स में भी दिया जाता है, ब्रेवरी के लिए भी दिया जाता है, सोशल सर्विस के लिए भी दिया जाता है। तो क्योंकि हम स्पोर्ट्स अवार्ड से रिलेटेड अवार्ड को डिस्कस कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर डाल दिया बीजू पटनायक अवार्ड स्पोर्ट्स के फील्ड में तो डाला ही डाला, साथ ही साथ ब्रेवरी और सोशल सर्विस भी दे दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एग्ज़ाम में अगर पूछ दिया जाए कि बीजू पटनायक अवार्ड इनमें से किस क्षेत्र में दिया जाता है ओडिशा की सरकार के द्वारा, तो आप इन तीनों को देख लीजिए, स्पोर्ट्स में भी दिया जाता है, ब्रेवरी में भी दिया जाता है और सोशल सर्विस में भी दिया जाता है, और भी कई सारे फील्ड है उनमें दिया जाता है। अगर बात करें महाराणा प्रताप पुरस्कार की तो राजस्थान की गवर्नमेंट इसे देती है स्पोर्ट्स के फील्ड में, और यह बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो, ठीक है। महाराणा प्रताप पुरस्कार कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है, बीपीएससी में भी आ चुका है, तो महाराणा प्रताप पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? राजस्थान की सरकार के द्वारा दिया जाता है। वहीं पर बात करें, अच्छा ये राजस्थान के द्वारा महाराणा प्रताप पुरस्कार स्पोर्ट्स में दिया जाता है अपने प्लेयर्स को जो खेल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो कोचिंग दे रहे हैं उन प्लेयर्स को, उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो उनको दिया जाता है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। कौन सा? गुरु वशिष्ठ पुरस्कार स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए दिया जाता है राजस्थान के गवर्नमेंट के द्वारा। वहीं पे बात करें सिक्किम रत्न अवार्ड की, तो जितने भी डिसिप्लिन है, चाहे स्पोर्ट्स हो, सोशल सर्विस हो, ब्रेवरी हो, मेडिसिन हो, जितने भी सेक्टर्स हो सकते हैं उनमें दिया जाता है सिक्किम के गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे इसको डालने की क्या ज़रूरत थी, तो सिक्किम रत्न अवार्ड ही मुझे मिला जो कि स्पोर्ट्स में भी दिया जाता है, तो मैंने डाल दिया सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो हालांकि सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं दिया जाता, ऑल डिसिप्लिन्स में दिया जाता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट है लक्ष्मण अवार्ड या रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड, यह दिया जाता है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा अपने स्पोर्ट्स पर्सन को, ठीक है। देवभूमि अवार्ड दिया जाता है उत्तराखंड के द्वारा, ठीक है, देवभूमि स्पोर्ट्स अवार्ड। और ये देवभूमि स्पोर्ट्स अवार्ड, ये नाम जो है इसके बहुत सारी कैटेगरी है, जैसे देवभूमि अर्जुन अवार्ड, देवभूमि द्रोणाचार्य अवार्ड। तो जिस तरीके से भारत के अवार्ड्स हैं ना, नेशनल अवार्ड्स, द्रोणाचार्य, अर्जुन, तो उसी के तर्ज पे, उसी के तरह ये उत्तराखंड की सरकार ने अपने स्पोर्ट्स अवार्ड का नाम रखा है देवभूमि द्रोणाचार्य, देवभूमि अर्जुन अवार्ड, देवभूमि, ठीक है, अर्जुन अवार्ड, देवभूमि खेल रत्न अवार्ड, इस तरीके से उन्होंने नाम रखा हुआ है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। वहीं पे बात करें अगर वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल का खेल सम्मान ही मुझे एक मिला, तो मैंने इसको डाल दिया यहाँ पे खेल सम्मान। हालांकि और भी पुरस्कार के वहाँ पे नाम थे, जैसे बंग सम्मान, बंग रत्न, तो ये सब आ जाए तो वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इतने अवार्ड हमने डिस्कस किया रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एंड देयर स्टेट्स, तो जितना हो सका मैंने कवर किया। हालांकि यहाँ पे 95% कवर हो चुका है स्पोर्ट्स अवार्ड जो भी स्टेट्स देती है अपने अपने प्लेयर्स को। हो सकता है एक दो मुझे नहीं मिला हो, तो अगर आपको पता हो उसके बारे में कि जैसे बिहार का यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, बिहार के लिए बिहार गौरव सम्मान एक था, तो वो स्पोर्ट्स के सेक्टर में भी दिया जा रहा था और भी डिसिप्लिन में दिया जा रहा था, तो मैंने उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। हालांकि आप सुन लीजिए कि बिहार सरकार के द्वारा बिहार गौरव सम्मान दिया जाता है, हर एक डिसिप्लिन में दिया जाता है, तो उसको भी आप याद रखिएगा। तो जैसा कि मैंने बोला, अगर आपको पता हो कि यह कौन सा अवार्ड यहाँ पे छूट गया, जैसे मणिपुर का, मेघालय का क्या स्पोर्ट्स अवार्ड है उसके स्टेट के द्वारा दिया जाता है, तो वो सब आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, ऐसे स्टैटिक जीके के साथ। तब तक बने रहिए एनसीईआरटी जोन के साथ। अगर आप नए हैं चैनल पे, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द एनसीईआरटी जोन। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिए वीडियो को, अच्छा लगा तो कमेंट करके हमें फीडबैक दीजिए। साथ ही साथ अगर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं इस वीडियो की, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के साथ आप जुड़ सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।